मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइबल के वचन से बाइबल मैप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। बाइबल का वचन कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस और सिल्वानुस और तीमुथियुस, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिले। हे भाइयों, यह हमारे लिए उचित है कि हम हर समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में बहुत वृद्धि हुई है और तुम्हारे प्रेम का धन एक दूसरे के लिए है, ताकि हम आप ही परमेश्वर की कलीसियाओं पर गर्व करें, क्योंकि आपका मन अशांत है और आप उन सभी मुसीबतों और दुखों में विश्वास करते हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, जो उस निर्णय का स्पष्ट संकेत है जिसे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता में किया है उसके राज्य में तुम्हें एक भाग देने के लिए, जिसके लिए तुम इस पीड़ा से गुजरे हो। क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह धर्म का काम है कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें उनके प्रतिफल के रूप में कष्ट दें, और तुम जो परेशान हो हमारे साथ विश्राम करो, जब प्रभु यीशु स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों के साथ आग की लपटों में आते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते और जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार पर कान नहीं लगाते, उन्हें दंड देने के लिए, जिसका प्रतिफल प्रभु के चेहरे से और उसके बल की महिमा से अनंत विनाश होगा। बाइबल का वचन आगे कहता है, उसके आने पर जब वो अपने पवित्र लोगों में गौरव प्राप्त करेगा और उन सभी के लिए आश्चर्य का कारण होगा जिन्होंने उस दिन विश्वास किया था, क्योंकि तुम्हारे बीच हमारी गवाही का असर हुआ था। इस कारण से तुम सदा हमारी प्रार्थनाओं में हो कि तुम हमारे परमेश्वर को ऐसा प्रतीत हो जैसे कि उसके उद्देश्य में एक हिस्सा हो सकता है, और वो अपनी शक्ति से अपने सभी अच्छे उद्देश्य और विश्वास के कार्य को पूरा करेगा, ताकि तुम्हारे द्वारा हमारे प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो और हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम उसमें महिमा पाओ। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।